face the rear of the stage. And back to the front. Okay, thank you. This group, if you can move across to that side, thank you. This group, move across. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमएचआर ओलंपियाड 2021 की, जो मुंबई में होने वाला है 3 दिसंबर से। कंटेस्टेंट्स जो कम्पीट करने वाले हैं वो हैं रोहित खत्री, पंकज गजवानी, तरुण गिल, अभिषेक यादव, रूबल धनकर, अमित पंगाल, रवि पावार, दीपक नंदा, नितिन चांदीला। मैंने उन कंटेस्टेंट्स के नाम लिए हैं जो इस गेम को लेकर अभी बहुत हाइप में चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोहित खत्री की, जिन्होंने सोशल मीडिया पे पहले ही ये कह के रखा हुआ है कि वो जीतने वाले हैं। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से रोहित खत्री ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं। बात करते हैं उनकी बॉडी स्टेटस की, तो ओवरऑल बॉडी उनका अच्छा है, बस मेरे हिसाब से उनका काफ्स थोड़ा वीक है। अब हम बात करते हैं पंकज गजवानी की, उनकी भी ओवरऑल बॉडी अच्छी है। ही इज हैविंग अ ग्रेट चेस्ट साइज एंड अ मीडियम डीप एब। इनकी करंट फिजिक को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेंस फिजिक में कम्पीट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं तरुण गिल सर की, इन्होंने 3 महीनों में काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, जो कि काबिले तारीफ है, वो भी 40 साल की उम्र। इनकी बॉडी स्टेटस की बात की जाए तो मुझे इनके एब्स थोड़े वीक लगते हैं, बाकी ओवरऑल बॉडी अच्छी है। एंड ही इज़ हैविंग अ गुड चेस्ट वाइडर एंड अ गुड थिकर बैक। अब हम बात करते हैं माई पर्सनल फेवरेट अभिषेक यादव की, मेरे हिसाब से इनका कोई वीक पॉइंट नहीं है। ही इज़ हैविंग अ ग्रेट फिजिक, द जेनेटिक्स ऑफ हिज आर्म वॉज इन सेम एंड ही विल बी द टफेस्ट कॉम्पिटिटर टू एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं रूबल धनकर सर की, इनकी भी ओवरऑल बॉडी काफ़ी अच्छी है बिकॉज ऑफ हिज बिग साइज। मुझे लगता है कि रूबल धनकर सर बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करेंगे। तो अब हम चलते हैं अमित पंगाल सर की तरफ, इनकी बॉडी स्टेटस की बात की जाए तो काफ़ी उम्दा है, और मेरे हिसाब से ही इज़ नॉट श्रेडेड एज वेल एंड ही इज़ ऑल्सो अ बिग साइज मैन, तो ये शायद बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करेंगे। बात की जाए रवि पावार की, तो ये रोहित खत्री को टक्कर दे रहे हैं, इनके इंस्टा पोस्ट से भी पता चलता है, बिकॉज ऑफ रोहित खत्री ओवर कॉन्फिडेंट। यहाँ पर कोई भी किसी को लेकर हेट नहीं फैला रहा, सबका देखने का नज़रिया अलग होता है, बाकी मेहनत तो सभी जान लगा कर कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं दीपक नंदा की, जिन्हें इंडियन रॉक के नाम से भी जाना जाता है, और ये ड्वेन द रॉक जॉनसन जैसे लगते हुए हैं। इनके बॉडी स्टेटस की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इनका और अभिषेक यादव के बीच टक्कर अच्छा होने वाला है, पर इन्होंने कन्फर्म नहीं किया है कि ये कम्पीट कर रहे हैं या नहीं। अगर कम्पीट करते हैं तो अभिषेक यादव के साथ टक्कर कमाल। अब हम चलते हैं नितिन चांदीला की तरफ, इनकी फिजिक कमाल की है, ओवरऑल बॉडी स्टेटस भी काफ़ी अच्छा है। बात की जाए इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट की तो इनके आर्म्स और इनके बैक्स है, एंड ही विल आल्सो अ टफ कॉम्पिटिटर। मेरे हिसाब से तो मैं स्पेशली अभिषेक यादव को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे फेवरेट है और उनका फिजिक भी काफ़ी अच्छा है, एक अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाले हैं वो। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्हें मैं इस वीडियो पे नहीं ले पाया, मैं सिर्फ उन्हें ही लिया है जो अभी एमएचआर ओलंपिया 2021 को लेकर हाइप में चल रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग प्लीज़ गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज़।